भोलाडांगी सीएसपी लूटकांड का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। घटना में प्रयुक्त मोबाइल व हिस्से में आई राशि 8000 बरामद। कटिहार पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के निर्देश पर कदवा थाना अध्यक्ष राजीव कुमार झा की तत्परता के कारण मात्र एक सप्ताह के अंदर सीएसपी संचालक के साथ हुए लूटकांड के मामले का उद्भेदन कर लूटकांड के मास्टरमाइंड मोहम्मद परवेज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि बीते 18 मई 2020 को चार अज्ञात नकाबपोश अपराधियों ने भोलाडांगी कब्रिस्तान के समीप स्टेट बैंक के सीएसपी संचालक अंजार एहसान के साथ बाइक राशि व मोबाइल लूटकांड की घटना को अंजाम देकर चौकीहाट की ओर फरार हो गए थे। घटना के उद्भेदन को लेकर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पंकज कुमार, थानाध्यक्ष राजीव कुमार झा रात दिन एक कर प्रयासरत थे, जिसमें बीती रात्रि कदवा पुलिस की कार्यकुशलता के कारण लूटकांड का मास्टरमाइंड मोहम्मद परवेज को गुप्तचरों के सहयोग से उनके घर से घटना में प्रयुक्त मोबाइल व उनके हिस्से की राशि 8000, जिनको युवक ने तकिए के खोल में छिपा रखा था, के साथ गिरफ्तार कर लिया। साथ ही घटना में शामिल सभी अपराधियों की भी जानकारी पुलिस को मिल चुकी है। पकड़ाए युवक ने बताया कि घटना में उन्होंने अपने चचेरे जीजाजी अर्राबारी 22 थाना क्षेत्र निवासी मोहम्मद नौरेस के साथ घटना को अंजाम दिया है। उनके चचेरे जीजाजी गिरोह का सरदार है। उनके नीचे कई युवक आपराधिक कार्य करते हैं। युवक जीजाजी के साथ पूर्व में लुधियाना में रहा करता था, जिस वजह से उसने अच्छे संबंध थे। उन्हीं के कहने पर उन्होंने लाइनर का काम किया था। कदवा थाना अध्यक्ष राजीव कुमार झा ने पूरे साक्ष्य के साथ जिस कुशलता के साथ युवक को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, उनकी चर्चा चारों ओर है। जदयू प्रखंड अध्यक्ष विजय दास, भाजपा नेता मुन्ना ठाकुर, शोभन चंद्र दास, सच्चिदानंद मंडल आदि ने पुलिस द्वारा बिल्कुल सही व सटीक अपराधी को इतनी जल्दी गिरफ्तार करने पर बधाई दी। थानाध्यक्ष राजीव कुमार झा ने पत्रकारों से बातचीत के क्रम में बताया कि घटना को लेकर नौरेज गिरोह द्वारा दिनांक 15 मई से ही चौकी आशियाना परलिया मुख्य सड़क पर रेकी जा रही थी। घटना के बाद मोबाइल स्विच ऑफ होने वाली जगह पर डंप डाटा, घटना स्थल का डंप डाटा मोबाइल के CDR से घटना का पूरे साक्ष्य के साथ उद्भेदन कर गिरफ्तारी की गई। घटना में नॉरेज गिरोह का पर्दाफाश हुआ। घटना में शामिल अन्य तीन को शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 18/5/2020 को परलियाहाट स्थित ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक से 1,45,000 रुपया, उनकी मोटरसाइकिल और 3 मोबाइल छिनतई की कर ली गई थी जी, जो हम लोगों के लिए काफी चैलेंजिंग था जी। केस का मुंह बंद था, लेकिन हम लोगों ने घटनास्थल का डंप डेटा लिया, लूटी गई मोबाइल जहां स्विच ऑफ हुई वहां का डंप डेटा लिया, और पुलिस अधीक्षक कटिहार के निर्देशानुसार CDR लेकर कांड का अनुसंधान प्रारंभ किया जी। इसमें कई एक नंबर आए, कई एक अपराधी गिरोह के शामिल होने की बात आई जी, लेकिन CDR के गहन अध्ययन से और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बारसोई के सहयोग से हम लोगों ने इसमें लाइनर को डिटेक्ट किया कि इस कांड का लाइनर कौन है और उनकी किनसे बातचीत हुई है। अंतर्गतवा अपराध कार्य करने वाले व्यक्ति का खुलासा हुआ। हम लोगों ने लाइनर के घर का एक बार छापामारी किया, लेकिन ये फरार पाए जाते थे, लेकिन अचानक गुप्तचर द्वारा सूचना दी गई कि वो अपने घर पे हैं। तो परलियाहाट से ही सटे हुए भोलाडांगी का परवेज आलम, जो कि इस घटना का मास्टरमाइंड था, उनकी गिरफ्तारी हुई और उनके मोबाइल के CDR के आधार पर घटना कार्य करने वाले व्यक्ति गिरोह मोहम्मद नुरेज का पता चला, और मोहम्मद परवेज आलम ने अपने स्वीकारोक्ति बयान में घटना में संलिप्त होने की बात भी कबूल की और लूटी गई राशि में से इनके हिस्से में 8000 रुपया प्राप्त हुआ था, लेकिन पुलिस छापामारी के डर से ये घर से भागे हुए थे और रुपया को अपने घर में ही तकिया के खोल में छिपा के रख दिए थे, जिसे पुलिस ने बरामद किया है 8000 जी 8000। घटना कारित करने में प्रयुक्त मोबाइल जिससे कि अपराधी से लगातार संपर्क में रहे हैं जी, उसको भी बरामद कर लिया गया है। CDR खंगालने पे सारे
घटना चक्र से पटाक्षेप हो गया है। अब पुलिस के लिए बाइक रिकवरी करना और अन्य अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी करना एक चुनौती है, जो कि हम लोग सफलतापूर्वक कर रहे हैं। तो और अन्य अपराधी जो अभी फरार हैं, उन पर कितने दिनों में लगभग आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन पर नकेल कस लिया जाएगा? हम लोग समय फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि वे दुर्दांत अपराध कर्मी हैं जी, और उनका पैसा ही अपराध करना है, क्योंकि ये बायसी का थाना क्षेत्र के अराबारी गांव का अपराधी गिरोह है जी, जिनके द्वारा सीमावर्ती जिले के थाना क्षेत्रों में जाकर के अपराध करना इनका पेशा है। चुनौती तो है ही, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि हम उन्हें पकड़ लेंगे। जो गिरफ्तार हुए हैं उनका पहले से भी किसी मामले में संलिप्त होना? इससे पूर्व यह किसी मामले में नहीं थे। इनके द्वारा स्वीकारोक्ति बयान में बताया गया कि इनके द्वारा पहली बार एक अपने स्कूल टीचर का 1200 रुपया चोरी कर लिए थे, जिससे इनको स्कूल से निकाल दिया गया था। फिर ये घर में भी कुछ चोरी चपाटी करते थे। उसके बाद ये लुधियाना चले गए थे। लुधियाना में ये नवरोज के साथ रोड क्राइम किया करते थे, जिसमें ये प्रायः बच गए, कहीं इनकी संलिप्तता नहीं हुई और नाम नहीं आया। मतलब कहीं ना कहीं आपराधिक प्रवृत्ति के ये हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और अपराध इनके दिमाग में भरा हुआ है।